सेम सेक्स मैरिज पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सातवें दिन सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो समुदाय की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करेंगे। केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता भी सुझाव दे सकते हैं और हम इन सुझावों को लेकर सकारात्मक हैं। इससे पहले 27 अप्रैल को सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। भारत में एक और राज्य सरकार मंदर मार्ग पर चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान राज्य के लगभग 44,000 मंदिरों की 4,500 एकड़ भूमि से कब्जा छुड़ाया है। जमीन की कीमत लगभग 4,200 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही राज्य के 11 बड़े मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देना भी शुरू किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,270 नए मामले सामने आए हैं। 20 लोगों की मौत हुई है जबकि 7,698 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। नए मामलों में लगातार 6 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश में 40,177 केस एक्टिव हैं। सूडान में 7 दिन के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर की टेलीफोनिक चर्चा के बाद सेना और अर्धसैनिक बल इसके लिए तैयार हुए। ये युद्ध विराम 4 मई से 11 मई तक रहेगा। इस बीच सूडान में जारी लड़ाई के बीच मंगलवार को 20वां मैच जेदाह के लिए रवाना हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के प्रवासी मजदूर करते हैं। सावंत ने 1 मई को पणजी में मजदूर दिवस समारोह में ये दावा किया। उन्होंने ठेकेदारों से मजदूरों को काम पर रखने से पहले श्रमिक कार्ड लेने कहा। सावंत ने कहा कि मजदूरों के वितरण को ट्रैक करना जरूरी है। केंद्र सरकार को फास्टैग के जरिए 29 अप्रैल को एक दिन में ही रिकॉर्ड 193 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस दिन देश भर में फास्टैग पर रिकॉर्ड 1.16 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। फरवरी 2021 से फास्टैग के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के बाद टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1228 हो गई थी। अफगानिस्तान में हर रोज करीब 167 बच्चों की मौत हो रही है। बीबीसी के मुताबिक ये आंकड़ा सिर्फ आधिकारिक है और जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। गोर प्रांत के बेस्ट हॉस्पिटल में कई कमरे बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। अस्पताल में एक बेड पर कम से कम 2 बच्चे भर्ती हैं। वहीं 60 बच्चों के वार्ड में देखरेख के लिए सिर्फ 2 नर्स काम कर रही हैं। अजय देवगन ने हाल ही में बताया कि वो काम के प्रति हमेशा बेहद सीरियस रहे हैं। परिवार के साथ छुट्टियों पर 2 दिन वक्त बिताने के बाद उन्हें बेचैनी होने लगती है। वो सब कुछ छोड़कर बस काम पर वापस जाना चाहते हैं। हालांकि करियर के पुराने वक्त को याद करते हुए अजय ने बताया कि 90 के दशक में उनकी सफलता चरम पर थी। तब वो एक ही समय में 6 से ज़्यादा फिल्में कर रहे थे। अर्जेंटीना के स्टार टॉप प्लेयर लियोनल मेसी पर उनके क्लब पेरिस सैन जर्मन ने 2 हफ्ते का बैन लगा दिया। पीएसजी के मुताबिक मेसी क्लब को बिना बताए 2 दिन के लिए सऊदी अरब गए थे। फ्रांस के रिपोर्ट्स मीडिया डेली ला इक्विपे ने मंगलवार को इसका खुलासा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 2 हफ्ते तक मेसी अपने क्लब के साथ मैच नहीं खेल सकते। साथ ही उनकी ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी गई है।